राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रखी है मूंग की दाल। कल का है ये वीडियो क्लिप। और सब्जी बनाई थी मैंने ना, तो वही सब्जी बना के रखी हुई थी। और इधर मूंग की दाल को मैंने पीस रखा था और इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी मंगौड़े बनाने के लिए। और इधर आटा भी लगा लिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसमें अभी मिलाना बाकी था नमक, तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और फिर अभी बनाएंगे। और यहाँ पे नमक डालने के बाद ना, इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जो भी सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद में छोटे छोटे बड़ियाँ आप बना के तेल में निकाल लें। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, वैसे फेस्टिवल ही है इस चीज़ का। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पर मैं अकेली हूँ ना, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो इस मंगौड़ी की रेसिपी मैंने पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं दिखाया। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो ना, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। मंगौड़ा कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें लगता है, मैंने आप पूरा उसमें वीडियो ही बनाया है, तो आप लोग ज़रूर। मैं सुबह नहा के आई तो मैंने पूजा की थी। तो फ्रेंड्स आप सब लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, आप सब लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मुझे भी, ठीक है। मैं हर बार आपसे बोलती हूँ और बोलती रहूँगी जब तक मैं वीडियो में रहूँगी। देखिए यहाँ पे दूध पक गया है और दूध खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैंने दूध पकाया है फ्रेंड्स। तो अभी ये है खिचड़ी, इसमें मैंने मूंग की दाल मिलाई हुई है। और ये चावल है, इसको जैसे हम चावल बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे। इसमें मुझे कुछ नहीं डालना है, हल्का नमक ही डालते हैं और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ से खिचड़ी बनती है तो मैं बना रही हूँ, मीठी खिचड़ी खाई जाती है। अभी आपको दिखाऊँगी फ्रेंड्स वीडियो में। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। कैसे आप सब बताना जरूर। और आज मकर संक्रांति है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखे। और आज के दिन ना हमारे यहाँ बनती है खिचड़ी। वैसे हर जगह लोग बनाते हैं लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग होता है ना, तो हमारे यहाँ कैसी बनती है मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खिचड़ी है चावल का और मूंग की दाल का। उसमें बहुत से लोग उड़द की दाल भी डालते हैं। और ये दूध, और इसमें मैंने चीनी और घी डाला है खिचड़ी में। दूध को मिक्स करके इसे खाएंगे, तो आप लोग भी खा लीजिए आके। तो मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। गाइस ये देखिए खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है। और ऐसे ही खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ। और ये है दूध, मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि ना ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये आप देख सकते हो। और इसमें अभी मिलाना बाकी है चीनी। तो खिचड़ी में ना चीनी डालेंगे और घी, अभी मैं वो आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चीनी डाल देंगे जितनी हमें खानी है। जितना मीठा आपको पसंद है ना, आप उतना मीठा ले सकते हो। और अभी इसमें मिलाना बाकी है घी। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं घी ली हूँ और इसको यहाँ पे डाल देते हैं खिचड़ी में। और जो ये दूध है तो दूध को भी इसी खिचड़ी में मिला के खाते हैं पूरा मिक्स करके। तो ऐसे हमारे यहाँ खिचड़ी होती है फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ कैसी होती है आप लोग ज़रूर बताना। और कहीं कहीं पे मैंने देखा है ना कि लोग खिचड़ी नमकीन खाते हैं, दूध या घी के साथ, चीनी के साथ नहीं खाते हैं।
तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाया जाता है बांदा, और बांदा हमीरपुर में, आपने नाम सुना होगा। तो वैसे मैं फ़िलहाल अभी कानपुर में रह रही हूँ ना, तो कानपुर में भी लोग इधर इस एरिया जितने भी आसपास के जो सिटी हैं यहाँ, मतलब और भी कहीं खाया जाता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लोग नमकीन खिचड़ी बनाते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसी बनती है जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो आप लोग देख सकते हो ना, आप लोग भी आके खा लीजिए। और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को, आप हमेशा खुश रहो। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और हाँ प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आप लोग धीरे धीरे ही सही पर मुझे भी आगे बढ़ाइए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय।